सरगम है और मैं सबने में पीएचडी कर रही हूँ। म्यूजिक का कोई भी लेना देना नहीं है हमारे फैमिली से, दूर दूर तक घर में ऐसा कोई भी पूरा इवन मतलब पूरे खानदान में कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोई ऐसा जैसे होते हैं ना कि खानदानी परंपरा होती है कि वंश चला आ रहा है ना कि भाई हमारे दादा पर दादा इसी लाइन में थे, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से जो भी है वो आर्ट वाले लोग हैं और मेरा तो मैं आपको बता दूं मेरा पहले तो मुझे गोला भी खींचना लिया था। फिर स्कूल ढूंढा गया कि कौन सा स्कूल हो जहाँ पे तबला एज अ सब्जेक्ट मिले, तो पता था कि ग्वालियर में एक स्कूल है सिंधिया स्कूल, तो सिंधिया स्कूल में एज अ सब्जेक्ट मुझे तबला मिल रहा था, तो मेरा एडमिशन फिर वहां पे हुआ। मैंने खुद ने जब डीयू में एडमिशन लिया है मेरी क्लास में 20 से 25 लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी। मैं आज तक गुरु की तलाश में हूँ, मैं जितना भी क्रिएट करती हूँ वो मैं अपने मन से करती हूँ, ये मेरे गुरु ने नहीं सिखाया है, ये मेरे किसी गुरु ने नहीं सिखाया, ये मैं अपने मन से करती हूँ ये सब कुछ क्रिएट। मैं आज भी इस तलाश में हूँ कि कोई गुरु मिले, बिकॉज कोई हाथ रखने को तैयार नहीं होता, किसी को वो ट्रस्ट नहीं होता है, तो मैं आज तक ये ढूंढ रही हूं। पहली चीज पता है क्या होती है तबले में, आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ये जो चीज है ना ये आपके बहुत मजबूत होने चाहिए जब आप बजाने बैठे, क्योंकि हाथ थकता है। अगर मैं आपको बिठा दूं अभी, मैं आपको ये कह दूं ना कि आप 2 मिनट मेरे साथ बैठ के 3 ताल बजा लीजिए, आप नहीं बजा सकते। बात लड़का लड़की की यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं बजा पाएगा, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना रियाज करेंगे उतनी ये चीजें उतने आपके कंधे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन क्या है पहले से ये धारणा बना कि अरे लड़कियां छुई मुई होती है, लड़कियां है नाजुक होती है, पापा की परी होती है, मतलब ये एक धारणाएं बना रखती है।